हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाला हूं जिनका आप वेट कर रहे होंगे। सबसे पहले DSSB की खबर है, इसके बाद मैं आपको SSA से जुड़ी हुई खबर है वो बताने वाला हूं, और कुछ अदर न्यूज़ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, मेरे पास SSA से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर, हमारा लिस्ट में नाम है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो गया है, क्या हमको भी जाना है? ऐसा नहीं है। जो टॉप 3 गुना स्टूडेंट्स है, आपको देखना है कि वैकेंसीज कितनी है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसके अकॉर्डिंग 3 गुना कैंडिडेट्स को वहाँ पर जाना है, और 3 गुना में से भी सिलेक्शन सभी का नहीं होना है। ये 3 गुना इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि जो वैकेंसी है, मान के चलो 6 वैकेंसी है, तो हो सकता है कि 6 में से किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, तो इसलिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स वहां पे बुलाए जा रहे हैं। तो लगेंगे वो टॉप वाले जिनके मेरिट में अच्छे मार्क्स हैं। तो लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। लिस्ट में सभी का नाम है, वो सभी की लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है। अब 8 वैकेंसी के लिए 2400 लोगों ने अप्लाई कर रखा, आप 2400 थोड़ी लग जाएंगे, तो आप ये ना सोचें बिल्कुल भी। और जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। इसके बाद स्पेशल वालों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि सर, हमारा जो रिजल्ट है कब तक आएगा? तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि DSSB से हमने कॉन्टेक्ट किया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो वहां से पता चला है उन्होंने क्या कहा था कि स्पेशल वालों पे मतलब पूरा उनका काम हो चुका है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है, जो फाइनल रिजल्ट देने वाले हो कभी भी आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो DSSB का ढुलमुल रवैया है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहता है, मतलब 10-15 दिन पुराने जो रिजल्ट आ चुके हैं वो बाद में आते हैं। तो साथियों, इसके लिए मैं चाहता हूं स्पेशल वाले जो भी मेरे साथी हैं, आप RTI लगाएं, ये जानने की कोशिश करें कि क्या प्रोसेस चल रही है, कब तक रिजल्ट आ सकता है। हालांकि जो हमसे भी पॉसिबल होगा हम भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग भी एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि जितना डिले करेंगे आप इतना आप लोगों का ही नुकसान है। इसके बाद बात करते हैं KVS की। तो साथियों, जो KVS है तो KVS का रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। हालांकि कुछ टाइम पहले एक न्यूज चल रही थी, कुछ न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग थी, और वो शायद गूगल पे थी, साइट पे थी, वैसे वो नहीं थी। तो उसमें बताया जा रहा था कि 27 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऑफिशियल ऐसा अभी कोई अनाउंसमेंट है नहीं, ये चीज़ें फेक भी हो सकती है। हालांकि रिजल्ट लगभग इसी टाइम आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो साइट पे है, वो मतलब ऐसे ही चीज़ें अभी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जल्दी ही लेने वाले हैं हरियाणा वैकेंसीज के लिए। हालांकि राजेश पाल जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो अब देखते हैं वो क्या स्टेप लेते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और इसके बाद ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद दिल्ली की वैकेंसीज के लिए भी कुछ स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में अभी भी वैकेंसीज खाली हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेप लेंगे, और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। जो साथी सिलेक्ट नहीं होते हैं वो उसके लिए तैयारी करें, आगे आए, जिससे वैकेंसीज आएंगी, और जो न्यू CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी आगे आए। तो साथियों, ये सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।